तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपको अपडेट देने आ गया हूँ। अभी मैं बिलदारी चक में हूँ और ये जो रोड है ये स्टार्ट होती है, ये बीटा सलमेरा रोड का मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। बिलदारी चक जो मोड़ है चौराहा है उससे इधर आ गया हूँ और यहाँ से लेकर के ये ब्रिज दिखाते हुए आपको डुमरी तक का अपडेट देने वाला हूँ कि आखिर बीटा सलमेरा रोड में जो है कितना काम हो गया और कितना काम अभी बाकी है। यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं इधर आप जाएंगे तो सीधा आप बिहार शरीफ होते हुए यानी सीधा सलमेरा तक जा सकते हैं। तो काफी लंबा चौड़ा रोड है ये और काफी लंबा प्रोजेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ रोड क्लोज, यानी ये फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है जो कि बेलदारी चक्र बनाया जा रहा है। और यहाँ से ये जो रोड जो है बीटा सलमेरा वाला, ये यहाँ से सामने से आएगी सलमेरा से और सीधा यहाँ पे बेलदारी चक्र में फ्लाई ओवर के ऊपर से ये निकली गई। तो मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और इधर से मैं अंदर जाऊंगा और अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इधर जो है स्टार्टिंग फेज में कितना काम हो गया। देखिए स्टार्टिंग में इधर कंक्रीट उक्रीट रखा गया है और जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होती है वहाँ पे भी आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे जो ब्रिज है उसके ऊपर आ गया हूँ और इसमें काफी काम हो गया, देखिए ना आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना काम हो गया। बीच में जो डिवाइडर है उसका अभी निर्माण करना बाकी है, बाकी बाउंड्री साइड का देखिए वो निर्माण कर दिया गया है। और इस रोड को मैं आपको बैठकर दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए पीच भी कर दिया गया, यानी जल्द ही जो है इसका सौगात हम सबको मिलने वाला है। थोड़ा सा आगे आपको दिखा देते हैं आगे तक जाकर के कितना ब्रिज में काम हो गया। देखिए यहाँ तक मैं आ गया हूँ, यहाँ तक जो है पिचिंग हो चुका है और इससे आगे जो है अभी पिचिंग करने का काम जो चल रहा है। देखिए कंक्रीटिंग आगे में किया गया है, उधर के नीचे आ गए हैं और अब सर्विस रोड को फॉलो कर रहे हैं। और देखिए सर्विस रोड जो बनने वाला है उसको भी आप देख लीजिए कितना इसमें काम हो गया और कितना काम बाकी है। देखिए हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ से नीचे से SH1 गुजरती है और यहाँ पे देखिए ऊपर में जो है पीला उलर भी रख दिया गया है और उसके बाद जो है उसको बस मिलाए जाने की प्रक्रिया बाकी है। लेकिन वही इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए SH1 है जो कि इधर जाएंगे तो आप चले जाएंगे पटना की तरफ और इसके अपोजिट साइड में जाएंगे तो चले जाएंगे आप मसौढ़ी के। मैं आ गया हूँ, उस साइड से व्यू नहीं मिल पा रहा था। और देखिए इस साइड भी जैसे उधर पिचिंग किया गया स्टार्टिंग फेज में, देखिए उस तरह इधर भी जो है स्टार्टिंग फेज में इधर कुछ दूर तक पिचिंग किया गया है। थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा हूँ तो यहाँ पे देखिए टू लाइन जो इसका पहले से बना हुआ है काफी पहले से, लेकिन इसके ठीक लेफ्ट साइड में जो है अभी रोड का देखिए मिट्टी उट्टी डाला गया है और रोड बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तो वहीं देखिए अब मैं रोड जो है उधर जो है लेफ्ट साइड से रोड मतलब चोरी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रोड काफी पहले से बना हुआ है और यहाँ पे जो है राइट साइड से इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। यहाँ से देखिए ये जो रोड जो है फिर ये मतलब जहाँ तहाँ जो हल्का मोड़ टाइप का है ऐसे करके ऐसे है, कहीं लेफ्ट साइड में जगह मिला है तो लेफ्ट साइड से चौड़ीकरण किया गया है, राइट साइड से मिला है तो राइट साइड से किया गया है। लखना के आसपास में हूँ, लखना खैरा जो गांव है उसके आसपास में हूँ और यहाँ पे फिर से एक ब्रिज है जिसका देख लीजिए ब्रिज का मतलब चमचमाता हुआ जो है ये आप पिचिंग देख सकते हैं। मैं अभी गाड़ी से उतर गया हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए बिल्कुल ताज़ा ये पिचिंग किया गया है लेफ्ट साइड में जो है, मतलब यहाँ पे एक फ्लाई ओवर है और इस फ्लाई ओवर का जो काम जो है कितना तेज गति से किया जा रहा है आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। जाने का रास्ता नहीं चूंकि सभी गाड़ियां जो है नीचे से चल रही है और यहाँ से मैं अभी नीचे सर्विस रोड को पकड़ते हुए नीचे की तरफ जाऊँगा। हाँ सर्विस रोड से अब नीचे से जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो अंडरपास है और यहाँ से मैं फिर से लेफ्ट हो गया हूँ क्योंकि उधर राइट से ही आना था। और देख लीजिए यहाँ पे जो है ब्रिज का जो है वो देखिए आपकी अंडरपास जो है वो बनाया गया है और यहाँ से फिर जो है ये जो है रोड साइड आगे बंद है तो मुझे लगता है उसी रोड से जाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि इधर से रास्ता है तो मैं इधर से आ गया था, लेकिन आपको राइट से ही जाना है ना, तो मैं फिर से वापस वहीं पे आ गया हूँ और राइट से ही जाना है क्योंकि उन्होंने बताया जो यहाँ पे वर्कर थे वो बताया कि रास्ता आगे बंद है जो कि आपने वीडियो में देखा भी। और फिर से देखिए इधर देखिए यहाँ जो है इस एरिया में भी मिट्टी उट्टी डालने का काम जो है अभी होना बहुत हद तक बाकी है। देख लीजिए अभी हाइट जो है वहाँ पे ब्रिज का जो है अंडरपास जो है वहाँ पे वो है और इधर जो है काम जो है बैरिकेडिंग इस तरह से करके। देखिए यहाँ तक जो है 50 मतलब आधा एक साइड में दाहिने साइड में उधर से जब आएंगे तो आधा में जो है इधर नहीं हुआ है पिचिंग, इधर डाइवर्जन बनाया गया, लेकिन इधर जो है कुछ दूरिया में जैसे कुछ एरिया में जो है पिचिंग का काम हो गया। और यहाँ से देखिए
ब्लैकटॉप जो है हो रहा है यहाँ पे, यानी पिचिंग का काम जो किया जा रहा है। फिर से एक ब्रिज मिला है जिसमें काम वहाँ पे बटपर जो है कर रहे हैं अपने पूरे वीडियो में, और ये बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन फोर लाइन बनाना है तो उसके लिए एक और ऐसा ही जो ब्रिज है उसका भी बनाया जा रहा है। या धीरे चले, और यहाँ पे फिर से जो है एक ब्रिज स्टार्ट हो जाती है। मतलब इस एरिया में गुजरेंगे तो काफी ब्रिज बना दिया गया है, जहाँ तहाँ ब्रिज बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और सर्विस रोड से जो है जो भी ट्रक देख रहा है ये इसी के निर्माण में लगे हुए हैं। देख लीजिए जो भी ट्रक लगे हुए हैं इसी के निर्माण में लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी एक जो है अंडरपास बनाया जा रहा है, और ब्रिज का यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रिज, उतना लंबा तो नहीं, छोटा सा ब्रिज का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम पहुंच गए हैं अब डुमरी में, और देखिए ब्रिज पे चढ़ के पहली बार इसे बिहटा सरमेरा रोड जो है उसका डुमरी में जो आरओबी बन रहा है उस पे राइड करके आपको अपडेट दे रहे हैं। और जिस पे अभी हम राइड कर रहे हैं ना, ये जो है बिल्कुल ताजा ताजा यहाँ पे ब्लैकटॉप किया गया है, और ये उधर से आने वाला साइड में जो है इस तरह का नहीं बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए जब आया हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे में जो है ये NH-83 है, और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है डुमरी हॉल्ट, जिसे कि जंक्शन बनाया जा रहा है। और देखिए पहली बार मैं आपको इस पे चढ़ के यहाँ पे खड़े होकर के इस पे राइड लेकर के आपको अपडेट, और ये देखिए ये है NH-83, बगल में रेलवे लाइन, और मैं अभी हूँ डुमरी आरओबी के, अब मैं वापस नीचे की ओर उतर रहा हुआ है, कहाँ कहाँ के लिए यह रास्ता जाती है या फिर जाएगी। और ये देखिए अभी मैं उसके ऊपर जा करके वहाँ से आपको अपडेट दे रहा था, लेकिन देखिए ये जो दूसरा वाला जो है लेन, जिसके लिए देखिए पिछला अपडेट में ये सब जो है ऊपर में जो पियर कैप है वो नहीं बना हुआ था, ये जो पियर कैप बना हुआ दिख रहा है आपको जो कि जूट के बोरा से जो है उसको भिगोया गया है, और देखिए यहाँ बना हुआ है उसमें देखिए अभी सेटरिंग जो है हटाने का काम किया जा रहा है पियर कैप में, और इसमें भी देखिए पियर कैप बन गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें जो है अभी सेटरिंग लगाया जा रहा है, सरिया बांध दिया गया है, इसमें देखिए सरिया बांधने का काम जो है शुरू किया जा रहा है, इसमें देखिए सरिया बांध दिया गया है, और इसमें जो है अभी शुरू भी नहीं हुआ है सरिया बांधने का काम, नीचे से जो है सेटरिंग जो है खड़ा हो गया, मतलब उसी पर चढ़ के लोग सरिया बांधते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पिलर पर चढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं नीचे से भी आपको अपडेट दे रहा हूँ, और वो ऊपर वाला जो देखा आपने उस पे मैंने आपको वहाँ तक जा करके आपको दिखाया कि कितना काम उसमें हो गया, सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग काम जो है वो बचा हुआ है। देखिए इधर जो है अभी पिलर का निर्माण करना ही बाकी है, देखिए नीचे बेस में जो है अभी जमीन पे ही पिलर है, जमीन से ऊपर उठना पिलर का बाकी है। ये है आरओबी रेलवे ओवर ब्रिज जो कि आयरन का बना होता है। तो फिर मैं वापस चलता हूँ ऊपर ही, और ऊपर से ही जा करके आपको वीडियो को एंड करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये अपडेट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार। और हाँ अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।